हे एवरीवन, मैं हूँ ज्योति जस्ना द गर्ल। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। और सबसे पहले बिग 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 थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि फाइनली हम पहुँच गए हैं 100K सब्सक्राइबर्स पे। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मेरी मेहनत तो है ही है, बट आप लोग जो पिछले 3 साल से ज़्यादा टाइम से मेरे चैनल को देखते आए हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, उनकी बिना तो ये सब पॉसिबल था ही नहीं। सो थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी इतने टाइम तक मेरे साथ रहने के लिए, मेरे वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो 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 मच। एंड मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि 100K सब्सक्राइबर्स पे मैं Q&A एंड गिव अवे दोनों करूँगी, तो आज के वीडियो में दोनों होने वाला है। आज तक मतलब मैंने बहुत ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी इस प्लेटफॉर्म पे, सो आई थॉट कि दिस इज़ द राइट टाइम थोड़ा मैं अपने बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो पाएँ। और गिव अवे एंड में है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते रहें। तो मैंने लगभग 2-3 हफ्ते पहले मेरे YouTube के कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किया था Q&A वीडियो के लिए, तो मुझे 50-60 क्वेश्चंस के आसपास आए थे। और वैसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे वीडियोस के नीचे भी आते रहते हैं, जो कि वीडियो से रिलेटेड नहीं होते, मुझसे रिलेटेड होते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं वो मैंने पिक किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एंड ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था, ऑल इन वन यूज़र नेम है, ऑल इन वन ने पूछा है कि मेरी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, तो मेरी अरेंज मैरिज है, और मेरी फैमिली में कौन कौन है ये भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मैं सबसे बड़ी बहन हूँ, मुझसे 2 छोटी सिस्टर्स हैं, एंड मेरे इन लॉज वो भी मेरी ही फैमिली है। उसमें मेरे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा एक ब्रदर इन लॉ, तो छोटी सी फैमिली है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरीफा बानू शाइक ने पूछा है। एक्चुअली उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इनका क्वेश्चन है कि दी आप जीजू को वीडियो में कब दिखाएंगी। तो काफ़ी सारे मतलब चीज़ें हैं इसको लेके। एक तो ये कि ये मेरा मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है, मैं फुल टाइम यूट्यूबर हूँ, एंड मुझे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ मिक्स करना अच्छा नहीं लगता। हाँ, कभी कभी इट इज़ फाइन। एंड जो मेरे हस्बैंड हैं, ही वो काफ़ी कैमरा शाई हैं, इंट्रोवर्ट हैं। एक्चुअली मैंने उनको उस वीडियो में भी आने के लिए बोला था, बहुत मनाना पड़ा, बट ही डिडंट अग्री। सो मे बी कभी फ्यूचर में, या फिर इंस्टाग्राम पे कभी पिक अपलोड करूँ। आप कहाँ रहती हैं? मैं लखनऊ में रहती हूँ। और आपके घर में कौन कौन है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? तो मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी एजुकेशन को लेके भी बहुत सारे सवाल थे। तो मैंने बीटेक किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में, आई एम एन इंजीनियर, और साथ ही साथ में मैंने डिप्लोमा भी किया हुआ है ग्राफिक्स एंड वेब डिजाइनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नीतीश साधना ने। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि बेस्ट ऑफ लक दी फॉर 100K, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, क्योंकि मैंने ये Q&A के लिए बहुत पहले पोस्ट किया था। दी आप बहुत ही अच्छी वीडियोज़ लाते हो, आपकी हर वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है, आई लव यू। तो आई लव यू टू एंड थैंक यू सो 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 वेरी मच। आप मेरे हर वीडियो पे कमेंट करते हो, आई रिमेंबर योर नेम। इनका क्वेश्चन है कि दी यूट्यूब पर आने के लिए मोटिवेशन कैसे मिला आपको? तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे वीडियोज़ ही बनाने हैं। पहले मैं एक IT कंपनी में जॉब करती थी, बाद में मैंने जॉब वॉब छोड़ दी, शादी वादी हुई, तो मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था। मुझे था कि मुझे कुछ करना है, मैं खाली नहीं बैठ सकती। तो पहले मैंने ग्राफिक्स एंड वेब डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा किया, और कुछ टाइम उसमें भी काम किया, बट उसमें मेरा मन नहीं लगा। एंड फिर मैं बहुत सारे YouTube वीडियोज़ देखती थी, स्पेशली रिव्यू वीडियोज़ देखती थी, स्किन केयर, हेयर केयर प्रोडक्ट्स के रिव्यू वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा देखती थी। तो एक दिन मुझे लगा कि मैं भी तो ये प्रोडक्ट्स यूज़ करके रिव्यू बना सकती हूँ, जैसे मैं रिव्यू वीडियोस देखती हूँ। बहुत सारे रिव्यू वीडियोस होते हैं जिनसे मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, सफिशिएंट, मुझे आंसर नहीं मिलता सेटिस्फैक्ट्री कि लेना है या नहीं लेना चाहिए। तो आई थॉट कि मैं खुद यूज़ करके रिव्यू करती हूँ, मुझे अपने लिए भी एंड आपके लिए, सबके लिए पता चलेगा। तो ऐसे ही स्टार्ट हो गया, ऐसा कुछ खास मोटिवेशन नहीं था इसके पीछे। दर्शित पटेल ने कहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, एंड व्हाट इज़ योर हॉबी? तो अब मैं डांसिंग वांसिंग बोलूँगी तो बहुत क्लीशे हो जाएगा। वैसे डांसिंग का मुझे बहुत शौक है, बचपन से ही मैंने डांस सीखा है, बहुत डांस किया भी है। तो लेकिन अब मैं कहूँगी कि वो छूट गया, उतना टाइम वाइम नहीं मिलता, बट फिर भी कभी मैं खाली रहती हूँ तो मैं ईयरफोन लगा के शुरू हो जाती हूँ। तो एक तो डांसिंग, और मुझे गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो
बहुत बड़ा तो नहीं है बाहर स्पेस, लेकिन जो भी स्पेस है वहाँ पे बहुत सारे मैंने प्लांट्स लगाए हैं एंड मुझे रोज़ मेरे प्लांट्स को देखना, उनके लीव्स, उनके फ्लावर्स को देखना बहुत अच्छा लगता है। तो गार्डनिंग भी मेरी हॉबी है और कुकिंग, वैसे तो अभी मैं शादी हो चुकी है मेरी तो खाना तो तीनों टाइम बनाना ही पड़ता है, तो वो तो एक बात हो गई, लेकिन कुकिंग इन जनरल भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिशेस ट्राई करना, अपनी बनाई हुई डिशेस दूसरों को खिलाना और उनके एक्सप्रेशंस देखना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुकिंग भी मेरी हॉबी है। अभिषेक शर्मा ने कहा है कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस फॉर 100K, थैंक यू सो मच, आई रियली एडमायर यू एंड योर वीडियोज, यू आर वन ऑफ फ्यू यूट्यूबर्स हु रिव्यूज द प्रोडक्ट जेन्युइनली, आई ट्राई टू। बाय द वे माय क्वेश्चन इज व्हाट आर योर फेवरेट फूड्स? सो फेवरेट फूड्स, आई एम अ बिग टाइम फूडी, मैं यूट्यूब पे भी इवन जो मेरे जॉनर से रिलेटेड जैसे स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, ये सब वीडियोस लिटरली बहुत ही कम देखती हूँ। मैं फूड वाले वीडियोस बहुत देखती हूँ, कुकिंग एंड फूड ब्लॉग्स, तो आई एम अ बिग टाइम फूडी। और मेरे फेवरेट फूड अगर मैं सोचूँ ना फेवरेट फूड, तो एकदम से मेरे दिमाग में आता है मेरी मम्मी के हाथ के आलू के पराठे, तो वो तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। और ऐसे इंडियन फूड मुझे बहुत पसंद है, उतना मैं मुझे स्वीट टूथ नहीं है, तो स्वीट्स बहुत ऐसा कुछ फेवरेट नहीं है, बट हाँ आलू के पराठे हो गए मेरे मम्मी के हाथ की। इवन शादी के बाद मैं बताऊँ ना, घर जाती हूँ तो मुझे मम्मी के हाथ का सारा ही खाना अच्छा लगता है, तो मम्मी के हाथ का सारा खाना मेरा फेवरेट है, लेकिन एकदम से जो क्लिक करता है वो करता है आलू के पराठे, छोले भटूरे भी मेरे फेवरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमिता शुक्ला का, इनका क्वेश्चन है लखनऊ में कहाँ से हो, हाँ प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो बेसिकली मैं लखनऊ से नहीं हूँ, बेसिकली मैं हूँ प्रयागराज से, बट लखनऊ में आई लिव इन इंदिरा नगर। Redmi Note 4 ने पूछा है आपने कब सोचा कि आपको हर कमेंट का रिप्लाई देना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम तो मिलता नहीं होगा पर फिर भी आप ऑलमोस्ट सबको ही रिप्लाई करते हो। तो यस, मैं कोशिश करती हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स का मैं रिप्लाई कर सकूँ, जो जेन्युइन क्वेरीज हैं उनका मैं करूँ। पहले तो बहुत ईजी था, बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं तो कमेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, एंड अब मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ मैं जब भी खाली होती हूँ मैं कमेंट्स का रिप्लाई करती जाऊँ, एंड आई नो कि आगे चल के जब और सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स और इंगेजमेंट ऑडियंस आएगी तो कमेंट भी बढ़ते जाएंगे एंड सबका रिप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं क्यों, मुझे जब कोई किसी की क्वेरी होती है किसी चीज़ को लेकर, उसके बारे में मुझे जानकारी होती है, तो मुझे लगता है कि मैं रिप्लाई कर दूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सामने वाला बंदा या बंदी परेशान है और मुझे लगता है कि बस मैं रिप्लाई कर दूँ एंड मुझे जितनी जानकारी है वो मैं दे दूँ। सो इसीलिए मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो सकते हैं उनका रिप्लाई करती हूँ यूट्यूब पर। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे DM कर सकते हो, मेरी पिक्चर्स के नीचे कॉमेंट कर सकते हो, तो इससे ईजी हो जाता है मेरे लिए आंसर देना, क्योंकि कई बार यूट्यूब में बहुत सारे कॉमेंट जो है वो स्पैम में भी चले जाते हैं जो मैं कभी भी नहीं देखती। सो कुछ ऐसी इमरजेंसी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। एक कमेंट जिसका मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी ये है तानिया इंसान का, और इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, इन्होंने कहा है कि कुछ नहीं चाहिए आप खुश रहो। सो आई एम ओवरवेल्म्ड, मैं जितनी बार भी कमेंट पढ़ती हूँ मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है, सो थैंक यू सो मच, और आप भी हमेशा खुश रहो। अमृता घोष ने पूछा है दी माई क्वेश्चन इज यू आर फ्रॉम विच सिटी, तो मैं प्रयागराज से हूँ, एंड विच इज़ योर फेवरेट डेस्टिनेशन प्लेस? तो मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन अगर मैं अभी आँख बंद करके सोचूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक जगह आती है, वो आती है गोवा। सो गोवा इज़ माई फेवरेट प्लेस, चाहे मैं कितनी बार भी वहाँ जा चुकी हूँ ना, बट आई लव 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 दैट प्लेस, वहाँ की वाइब सब कुछ। तो कभी भी वेकेशन के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले गोवा आता है। नेक्स्ट मुझे अनामिका सिंह ने पूछा है हाउ यू मैनेज योर होम एंड यूट्यूब टुगेदर, व्हाट्स योर डेली रूटीन? तो पहले डेली रूटीन की बात करती हूँ, तो क्योंकि मैं फुल टाइम यूट्यूबर हूँ प्लस हाउसवाइफ हूँ तो मेरा बाहर जाके काम नहीं है, मेरा जो भी काम है घर पे ही है, घर से ही है। और मेरे हस्बैंड, किसी ने पूछा भी था कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, आयुष मिश्रा ने पूछा है कि हेलो दी आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो मेरे हस्बैंड एक फाइनेंशियल कॉपीराइटर हैं और उनका जो ऑफिस है वो घर पे ही है, तो उनका भी काम घर से ही है। तो मेरे साथ जो डेली रूटीन में मोस्टली लोगों के ये चक्कर रहता है ना कि सुबह जल्दी उठना है, टिफ़िन बनाना है, ये सब, तो वो वाली टेंशन नहीं है मेरे साथ। आई नो कि जिनको सुबह सुबह उठ के टिफ़िन बनाना होता है, ऑफिस जाना होता है, वो कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, तो मेरे साथ वो नहीं है। मैं सुबह आराम से उठती हूँ 8 बजे तक, एंड आई एम नॉट एन अर्ली राइजर एट ऑल, सुबह उठना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल का काम है।
तो सुबह मैं उठती हूँ, उसके बाद वही ब्रेकफास्ट वगैरह, फिर घर के डेली काम, क्लीनिंग व्लीनिंग ये सब। ऐसे तो अभी लॉकडाउन में तो झाड़ू पोछा डस्टिंग ये सब मैं कर रही हूँ, बट वैसे एक हाउस हेल्पर हैं, वो आती हैं और वो ही झाड़ू पोछा वगैरह करती हैं, बट अभी मैं सारी चीज़ें खुद से ही कर रही हूँ। एंड लंच वंच तक मैं सब काम निपटा के, उसके बाद लंच के बाद जो मेरे पास टाइम होता है, लंच के बाद से आप कह लीजिए शाम के 6:30-7 तक, उस टाइम में मैं मेरा यूट्यूब का काम करती हूँ। उसके बाद फिर मेरा एक्सरसाइज, डिनर प्रिपरेशन ये सब होता है। वीक में 2 से 3 दिन मैं वीडियो शूट करती हूँ एंड 2 दिन मैं एडिट करती हूँ। सैटरडे संडे में ऑफ लेती हूँ, कभी कभी काम ज़्यादा होता है क्योंकि कोलैबोरेशन भी होते हैं ब्रांड के साथ, तो अगर ऐसा कुछ कोलैबोरेशन लाइंड अप है तो फिर मैं सैटरडे या संडे में से भी 1 दिन काम कर लेती हूँ। कभी कभी इंस्टा के पिक्चर्स विक्चर्स ले लेती, तो वो सब तो चलता रहता है। और मैं मैनेज कैसे करती हूँ मेरा घर और यूट्यूब दोनों, तो ऑनेस्टली बताऊँ कभी कभी थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है, जैसे कि घर का काम किसी रीज़न से बढ़ गया या ये सब, बट उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब मैं मैनेज कर लेती हूँ। उसमें मेरे हस्बैंड मेरा मतलब बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर कभी ऐसा हुआ भी ना कि मैं काम से थक गई हूँ, वीडियोस कॉन्स्टेंटली शूट करके एडिट करके, तो खाने बनाने का मन नहीं है, तो ऐसा मेरे पे प्रेशर नहीं रहता है कि बनाना ही बनाना है डिनर वगैरह, बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। ही इज़ एक्सट्रीमली सपोर्टिव, सो उनकी हेल्प की वजह से मेरा काम बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन। ये पूछा है मीनाक्षी बंजारे ने, इन्होंने कहा है सक्सेस डिडंट हैपन ओवरनाइट, योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज रियली पेड ऑफ, कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड विशिंग यू इवन मोर सक्सेस इन द फ्यूचर। सो थैंक यू सो 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 मच फॉर दीज स्वीट वर्ड्स। और उनका उन्होंने पूछा है, दीदू मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका चाइल्डहुड ड्रीम क्या था। तो यार ऑनेस्टली बताऊँ, जैसे सब मोस्टली लोगों का होता है ना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, ठीक है। 9th-10th तक मुझे जाना था आर्मी में, उसके बाद मैंने पीसीबी ले ली, तो मेरा 11th-12th पीसीबी से था, तो मुझे डॉक्टर बनना था। लेकिन फिर उसके बाद मैं आगे इंजीनियरिंग में, तो ये ऐसे ही होता है कि कोई ऐसा फिक्स्ड ड्रीम नहीं था। यही जो बचपन में सबका होता है, डॉक्टर इंजीनियर और ये सब, जो मोस्ट कॉमन में, लाइक आई एम अ 90s चाइल्ड, ठीक है, और 90s में मोस्टली लोगों का यही होता है, तो मेरा भी यही था। ओके, सो ये तो हो गई हमारी थोड़ी सी चिट चैट, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। मैं फ्यूचर में भी इसी तरीके के Q&As करूँगी, और ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस लेना पॉसिबल नहीं था, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस थे वो मैंने पिक किए। अब आते हैं गिव अवे पे। तो गिव अवे में पहले मैंने सोचा था कि मैं कुछ लाइक मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, जो मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आप लोगों को लाइक गिफ्ट करूँगी, बट फिर मुझे लगा कि नहीं यार, शायद सबको इनकी ज़रूरत ना हो, शायद किसी की स्किन अलग होगी, किसी का हेयर अलग होगा, किसी की ज़रूरत अलग होगी। सो फिर मैंने वो प्लान ड्रॉप किया एंड अभी मैंने सोचा है कि गिव अवे में मैं देने वाली हूँ 3 गिफ्ट वाउचर नाइका के 1500 रुपीज़ ईच। यस, तो 3 विनर्स होंगे जिनको 1500 रुपीज़ का नाइका का वाउचर मिलेगा मेरी तरफ से, और वो नाइका से 1500 रुपीज़ की कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं जो कि मेरी तरफ से होगी। और गिव अवे के रूल्स बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला रूल है कि आपको मेरा सब्सक्राइबर होना चाहिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सिर्फ गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो। सेकंड, आपको इस वीडियो को लाइक करना है। थर्ड जो रूल है वो ये है कि आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि आपको आज तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं मेरे चैनल पे, उसमें से कौन सा वीडियो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा है और क्यों। तो यही 3 रूल है, आपको मेरा सब्सक्राइबर होना चाहिए, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, थर्ड आपको बताना है कि मेरा कौन सा वीडियो आपको सबसे हेल्पफुल लगा है और क्यों, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। एंड प्लीज़ स्पैम मत करिएगा, लाइक एक साथ ढेर सारे कमेंट्स मत करिएगा एक ही यूज़र आईडी से, बिकॉज कई बार वो यूट्यूब फिर स्पैम सेक्शन में डाल देता है, तो वो मुझे कमेंट्स नहीं दिखाई देंगे। प्लस अपने बिहाफ पे दूसरों से सब्सक्राइब मत करिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरीके से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें। लोग जेन्युइनली जिन्हें मेरा कॉन्टेंट पसंद हो वो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अभी से ही बोल रही हूँ कि मेरा बस चलता तो मैं सबको कुछ ना कुछ देती, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो देर आर गोइंग टू बी 3 विनर्स, और विनर्स मैं अनाउंस करूंगी नेक्स्ट फ्राइडे को, मे बी जो नेक्स्ट फ्राइडे को वीडियो आएगा उसमें, या फिर उसके बाद मैं कम्युनिटी सेक्शन में अनाउंस कर दूंगी, या मे बी लाइव जाके, बट नेक्स्ट फ्राइडे को पक्का से मैं विनर्स अनाउंस करूंगी। तो रूल्स मैं एक बार फिर से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। और अगेन थैंक यू सो 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 वेरी मच, एंड इसी तरीके से जर्नी चलती रहे, मैं आप सबके लिए अच्छे अच्छे ऑनेस्ट वीडियोज लेके आती रहूंगी। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड चेयर।